साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए आज हम लोग सामान विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो देख रहे थे उसको हम आगे आज कंक्लूड करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा मानव के अमाशय को कि अमाशय या स्टोमिक की बनावट क्या होती है, कैसे कैसे उसको इंटरनली स्ट्रक्चर के रूप में नेचर या प्रकृति ने डिजाइन किया, लेकिन आज हम उसको उसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत होने वाले पाचन क्रियाओं को देखें या स्टोमिक का जो संरचना है वो भोजन के किन किन सामग्रियों को कैसे कैसे पचाता और पाचन क्रिया स्टोमिक में मुख्य रूप से जो मौलिक रूप से होती है वो किस प्रकार होती है। तो यहां पर हम लोग आज देखने जा रहे हैं अमाशय के कार्य या फंक्शन ऑफ स्टोमिक। तो ये ध्यान रखना है, आज हम लोग बात करेंगे अमाशय के कार्य पर। तो कार्य तो अमाशय का हम पिछले क्लास में कॉमनली बताए थे पॉइंट के तौर पर कि अमाशय जो है उसका पहला काम तो है कि जो भोजन है उस भोजन का तात्कालिक संग्रह करना। तो तात्कालिक संग्रह पहला काम, और साथ ही साथ संग्रह के साथ साथ तात्कालिक संग्रह और आंशिक पाचन मतलब पार्शियल डाइजेशन हो सके इसका काम करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है अमाशय के कार्य के तौर। तो चलिए देखते हैं ये दोनों काम कैसे होता है और कैसे कैसे यहां पाचन क्रिया होगी। तो हमने आपको बताया था कि ये हमारा स्टोमिक है, तो खासकर हम स्टोमिक का आज एक बेसिक चित्र ही बनाएंगे जिसके द्वारा आप चीजों को समझ पाएंगे। तो ये स्टोमिक था जिसका हम पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा चुके हैं। तो आज हम उन सब बातों पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे कि यह स्टोमिक पाचन क्रिया कैसे करता। तो यह हमारा स्टोमिक था और स्टोमिक की दीवार थी जिसमें हमने कहा था चार महत्वपूर्ण अलग अलग लेयर है मांसपेशियों का, जिसमें एक म्यूकोसा है, म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा। तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के रेंज में यहां पर यह ध्यान रखना है यही जो पार्ट है इस परत के अंतर्गत पहला और दूसरा जो परत है इसी में कुछ ग्लैंड्स हैं ऐसे जो इस मांसपेशियों में मौजूद है। तो ये ध्यान रखना है। और हमने कहा था कि ये वाला जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ये जो सबसे अंदर में होता है स्टोमिक में सबसे अंदर। तो स्टोमिक में सबसे आंतरिक लेयर को नाम रखना, हमने याद करवाया था आपको कि जो सबसे अंदर का लेयर होता है इसको हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। तो ये म्यूकोसा के बारे में बता चुका हूं मैं। और इसके अलावा हमने कहा था कि ये जो है इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता। तो यही दो का महत्वपूर्ण भूमिका है पाचन में और पाचन क्रिया इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो ध्यान रखना है कि जो भोजन है हमारे लिए मौजूद थाली में वो ये मुंह के माध्यम से च्यूइंग के द्वारा ये यहां आता है और यहां पर धीरे धीरे स्टोर हो जाता। तो देखते होंगे कि भोजन जो होता है उसको एक एक निवाला ले करके हम लोग धीरे धीरे स्टोमिक तक पहुंचा देते हैं। तो जो थाली में था वो यहां आ गया, और जब यहां आ गया तो मतलब जो था भोजन उसको संग्रह कर लिया। अब संग्रह के बाद इसको डाइजेस्ट करने का काम शुरू होगा और डाइजेशन जो होगा यहां पर वो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की मदद से। तो ध्यान रखना है कि अमाशय में जो पाचन का कार्य होता है तो अमाशय में पाचन क्रिया, ध्यान रखना है कि पाचन क्रिया गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है, ये याद रखना। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब जठर ग्रंथि, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से संपन्न होता, ये पहला तो ध्यान रखना। तो कभी कभी पूछ देगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होता है, तो अमाशय के द्वारा में होता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है और इसके द्वारा जब भोजन पहुंचता है तो एक टाइम से बायोलॉजिकली ये अपने अंदर से लिक्विड को रिलीज करता, और जब अंदर से लिक्विड आएगा और ये इसमें गिरेगा तो यही लिक्विड बारिश के रूप में ड्रॉप ड्रॉप गिरेगा और ये भोजन पर यहाँ स्टोर हो जाएगा रिसाव के मदद से या रिसाव के स्वरूप में। जैसे कहीं से कोई लीकेज होता है तो उस लीकेज के रूप में यहाँ पर यह गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना लिक्विड छोड़ेगा। तो ध्यान रखना है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम मेन रूप से यहां पर है पाचन का, और जब गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है उस लिक्विड को यहां एक नाम दिया जाता है, तो उसको ध्यान रखना, और वो नाम है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से
निकलने वाले द्रव को, जो द्रव निकलेगा उस निकलने वाले द्रव को एक नाम दिया गया जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते। तो गैस्ट्रिक जूस जठर रस, और यही सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है पाचन के लिए। तो जो पाचन होना है स्टोमिक में वो इस लिक्विड की वजह से, इसलिए इस लिक्विड पर ध्यान रखना कि लिक्विड है क्या और कैसे फंक्शन करेगा। तो पहला तो ध्यान रखना लिक्विड ये ग्लैंड बनाएगा, गैस्ट्रिक जूस ही, गैस्ट्रिक जूस जो है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा बनता है। तो यही गैस्ट्रिक जूस जो यहां सब गिर रहा है यही गैस्ट्रिक जूस है, और ये जूस भोजन में मिक्सअप होगा और भोजन को पाचन क्रिया शुरू करेगा। तो मुख्य रूप से हम लोग को इस गैस्ट्रिक जूस को ध्यान रखना। तो चलिए गैस्ट्रिक जूस पर नजर डालते हैं। तो पहले तो इस गैस्ट्रिक जूस का कुछ फिजिकल नेचर है, भौतिक रूप से जिसकी संरचना, इस पर ध्यान देना है, और कुछ केमिकल इसके नेचर पर। तो गैस्ट्रिक जूस जो बनता है लिक्विड है, और ये लिक्विड का अपना एक क्वांटिटी है, और ये एक स्वस्थ व्यस्क मनुष्य में जो बनता है वो औसत 2 लीटर पर दे, लेकिन ये ध्यान रखना है 2 से 3 लीटर प्रतिदिन ये निर्मित होता रहता है हमारे स्टोमिक में। तो दिन भर में 24 आवर में 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी पूछेगा कि गैस्ट्रिक जूस हमारे शरीर में एक दिन में कितना बनता है, तो 2 से 3 लीटर बनता है, इसको पहले ये ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान रखना है कि जो गैस्ट्रिक जूस है ये लिक्विड है, और लिक्विड केमिकल के रूप में है जिसका पीएच मान है, और पीएच मान बार बार एग्जाम में पूछेगा। तो पीएच मान हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच मान जो है इसका वैल्यू 1.5 से लेकर 2.5 तक वैरी करता, और हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि 7 से नीचे वाला पीएच मान जो होता है वो एसिडिक होता, तो 1 से 7 तक ही वैल्यू होता है एसिडिक का, 7 न्यूट्रल है, 7 के बाद बेसिक है, 4 ये। तो यहां पर जो वैल्यू एकदम लोएस्ट लेवल पर है, 1 से शुरू होता है और 2.5 तक है, तो 1.5 से 2.5 तक है, और इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे ये है क्या, तो यह जो है अत्यधिक अम्लीय, ये ध्यान रखना, एकदम हाईली एसिडिक है, इतना हाईली एसिडिक है जिसको आप बैटरी में डालने वाला अम्ल समझ सकते हैं, या जो तेजाब सुनते हैं इसको तेजाब मान सकते हैं, इतना ज्यादा पावरफुल या स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में मौजूद है। तो पहला तो ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा है कि गैस्ट्रिक जूस का रासायनिक स्वभाव कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, क्षारीय होता है, एसिडिक होता है, तो आप कहेंगे एसिडिक होता। तो जब ये एसिडिक है तो ध्यान रखना है इस एसिडिक के कारण एक कॉन्सेप्चुअल सवाल कि आमाशय जो है स्टोमिक वाला पार्ट, आमाशय में भोजन का जो पाचन है, भोजन का पाचन, भोजन का जो पाचन है वह अम्लीय माध्यम में होता है। तो कभी कभी पूछेगा ये कि स्टोमिक के अंतर्गत पाचन क्रिया जो होता है वो किस तरह के मीडियम में होता है, तो अम्लीय माध्यम में होता है। तो इतना चीज पहले तो ध्यान रखना, और ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखना है पिछले वीडियो से यहां तक हम कंटिन्यू करके चल रहे हैं ताकि आपका स्टोमिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। आप वीडियो को सिस्टमेटिकली देखें, प्लेलिस्ट में जाकर के शुरू से, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को जरूर चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ लॉस नहीं है, हमारा उत्साह बढ़ता है, और हम ज्यादा अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट्स और ज्यादा से ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने लाने का एक ऊर्जा मिलती है हमें। तो ये ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा को शेयर करें, ग्रुप में जोड़ें, ताकि हम लोग एक बड़ा फैमिली, एक बड़ा परिवार का निर्माण कर सके। तो एच रोशन एंड टीम एक बड़ा टीम बन सके, और इस टीम के अंतर्गत ऐसा तैयारी हो जो किसी भी चैनल में तैयारी नहीं कराई जाती, क्योंकि चैनल में नॉर्मली मार्केटिंग का काम होता है, हम यहाँ पर कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के पढ़ाई पर फोकस होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कैसे मिलती है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में मार्केटिंग का युग है, पूरी तरह से बाजारीकरण हो गया हर चीज का। एक आदमी बोलता भी है तो उसमें भी कुछ न कुछ व्यापार को जोड़ करके बोलता, तो हर चीज का एक अपना महत्व है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक निष्काम भाव से काम कर रहे हैं लोगों को या स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम होता, तो ये अम्लीय है, और ये पीएच मान इतना है, क्यों है इसको देखना।
तो ये जो गैस्ट्रिक जूस इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये हमारा गैस्ट्रिक जूस को स्टडी कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा कंपोजिशन ध्यान रखना। और कंपोजिशन मतलब संगठन होता है कि इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या। तो गैस्ट्रिक जूस में मेनली तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो है एक कंपोनेंट है जिसको HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक। दूसरा एक कंपोनेंट है जिसका नाम है पेप्सिन, पेप्सिन। और तीसरा एक कंपाउंड है जिसका नाम है रेनिन। ये ध्यान रखना। तो यही तीन मेनली कंपोनेंट्स, और भी कंपोनेंट्स हैं लेकिन जो हम लोग GS पढ़ रहे हैं समान अध्ययन के अंतर्गत, तो इतना से हमारा काम चल सकता है। जो आज जरूरी है मैं सब कुछ बताता हूं, जितना कॉन्सेप्ट जाना है जरूरी है उतना मैं जरूर डेप्थ में जाता हूं, लेकिन जितना यहां पर इंपॉर्टेंट है वो सब चीजों को आपको ध्यान रख करके बताया जा रहा। तो चलिए तीन तरह के, अब यहां पर ध्यान रखना है कि पहला जो कंपोनेंट है वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो पता होगा कि तीन चार अम्ल बहुत स्ट्रांग होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब मजबूत अम्ल, और उसमें से ये भी एक स्ट्रांग एसिड। और इस स्ट्रांग एसिड की वजह से ये पूरा जो सिस्टम है आमाशय का ये एसिडिक हो जाता। तो ये ध्यान रखना है कि हमने कहा अम्लीय माध्यम है, तो अम्लीय माध्यम क्यों है, क्योंकि HCl है। तो ध्यान रखना है कि यही HCl अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, पहला तो यही काम। तो कभी कभी पूछ देगा कि अम्लीय माध्यम क्यों होता है, तो आंसर करेंगे कि अम्लीय माध्यम इसलिए होता है कि गैस्ट्रिक जूस में HCl मौजूद है, पहला पर। दूसरा कि HCl का जो काम है दूसरा, कि भोजन में कोई गंदा चीज हो तो भोजन में हानिकारक पदार्थ हो तो उस हानिकारक पदार्थ को, हानिकारक पदार्थ को, हानिकारक पदार्थ को यह नष्ट कर देता। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको याद रखना। एग्जाम में पूछता है कि HCl का काम क्या है, बीपीएससी एग्जाम में बैठेंगे तो सब ऑप्शन रहे। पहला ऑप्शन दे देगा अम्लीय माध्यम बनाता है, दूसरा दे देगा भोजन में हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। तो हानिकारक पदार्थ जो भोजन में गंदगी है, जूस के कॉर्नर पर देखते होंगे मक्खियां बैठी रहती है, गोलगप्पे फोचका पानी पूरी जो खाते हैं बहुत गंदगी होता, जो बेचता है उसके हाथ उसके कपड़े उसके बर्तन पर कभी ध्यान देंगे तो लोग उसको आंख मून करके खा लेते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि चलो टेस्ट पर ध्यान रहता है कि चलो इमली खट्टी लग रही है टेस्ट अच्छा है खा लेते हैं, गंदा है तो जाएगा तो क्या हो। लेकिन ये सब गंदगी जो जाती है तो उसको शरीर से किसी भी तरह का शरीर को नुकसान, और इसलिए HCl यहां पर वर्कआउट करता रहता है। तो पहला तो ध्यान रखना ये, और तीसरा ध्यान रखना है कि ये एंजाइम को सक्रिय करता, तो एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है ताकि एंजाइम पाचन क्रिया कर सके। तो ये ध्यान रखना है एंजाइम को सक्रिय करे। तो एंजाइम है कौन कौन, तो ये दो एंजाइम पेप्सिन और रेनिन, दो ही एंजाइम है यहां पर जो मुख्य रूप से पाचन क्रिया करेगा स्टोमेक में, और इन्हीं दोनों को सक्रिय करने की जिम्मेवारी HCl की। तो सक्रिय कैसे करता है, तो जब भोजन पहुंचता, जब भोजन आया इधर से तो यहां से आया और इधर से लिक्विड निकला, तो लिक्विड निकला इसमें ये तीनों चीजें HCl है रेनिन और पेप्सिन में, लेकिन रेनिन और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में नहीं इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिव करने के लिए HCl की जरूरत। तो जो निकलता है वो एक्चुअली प्रोपेप्सिन होता है, ये ध्यान रखना है प्रोपेप्सिन। और रेनिन निकलता है प्रोरेनिन के फॉर्म। तो दो एसिड दो एंजाइम निकला इनएक्टिव फॉर्म है, और इस पर जब HCl संपर्क करता है तो ये कन्वर्ट करता है एक पेप्सिन में और दूसरा रेनिन में। तो ये ध्यान रखना कि दोनों को पेप्सिन और रेनिन के रूप में एक्टिवेट, कि भोजन आ गया है अब पाचन क्रिया करना है, इसके लिए HCl यहां जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये दोनों कन्वर्ट कर जाएगा इस रूप में, और इसके द्वारा पाचन क्रिया का शुरुआत होगा। तो पाचन जो होना है पेप्सिन और रेनिन की मदद से, तो इसी को यहां पर हम लोग को समझना। तो पहला हम लोग पेप्सिन को देख लेते हैं कि पेप्सिन का क्या वर्ग है। तो पेप्सिन का कार्य और रेनिन का कार्य, तो पहला ध्यान रखना कि पेप्सिन का जो कार्य है वो कार्य है प्रोटीन को पचाना,
ये पहला ध्यान रखना, और यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा एंजाइम कहां से निकल रहा। तो स्टोमिक में प्रोटीन जो आया है, दाल मटन चिकन जो भी अंडा खाए हैं दूध पिए हैं, उसमें जो भी प्रोटीन है उस प्रोटीन को पचाने के लिए एक एंजाइम पेप्सिन, मतलब ये कार्ज क्या करेगा, तो प्रोटीन का पचाना इसका कार्ज। पचाएगा कैसे, तो जो नॉर्मल प्रोटीन है भोजन का, इस प्रोटीन पर ये काम करेगा कौन, पेप्सिन। और जब पेप्सिन काम करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक नया कंपाउंड में जिसका नाम है पेप्टोन। तो ये बदल जाएगा पेप्टोन में और प्रोटीएजेज में, तो पेप्टोन और प्रोटीएजेज में बदलेगा। लेकिन यहां पर आपको इसको ध्यान रखना, और हमको पढ़ेंगे जब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जब प्रोटीन पचता है तो एमिनो एसिड बनाता है, तो एमिनो एसिड अभी नहीं बना, और इसलिए हमने कहा कि आंशिक पाचन है, कंप्लीट पाचन नहीं है। इसलिए कि यहां पर अभी और क्रिया होगी छोटी आंख में जाकर, तो यहां ध्यान रखना है, कभी पूछ दे कि प्रोटीन का पेप्सिन क्या करता है तो उसको पेप्टोन में बदल देता है, पहला ध्यान रखना। इसके अलावा प्रोटीएजेज भी बनता है, लेकिन हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। हमने कहा वही चीज हम बता रहे हैं जो आपका जीएस में समान विज्ञान के तौर पर इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आगे चलें तो दूसरा एक एंजाइम है रेनिन, और रेनिन का कार्य क्या है तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। तो यहां पर स्टोमिक का कार्य आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी सवाल पूछेगा बना पाए। तो रेनिन का कार्य है, पहला तो ध्यान रखना है कि दूध को पचाना, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछेगा कि दूध का पाचन होता है किससे, तो रेनिन एंजाइम। तो जो भी बच्चे दूध पीते हैं वो दूध का पाचन रेनिन एंजाइम करता है। तो ध्यान रखना है कि मिल्क जो है उसमें एक प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन का नाम है केसीन प्रोटीन, तो केसीन है ये ध्यान रखना। और केसीन पर काम कौन करेगा, तो रेनिन काम करेगा, और रेनिन जब काम करेगा तो ये रेनिन इस केसीन को बदल देगा किसमें, तो एक नया कंपाउंड बनाएगा पारा केसीन में, और इस क्रिया को कर्डलिंग कहते हैं। तो कर्डलिंग, कर्ड समझते हो, तो कर्ड मतलब दही होता, तो दही कैसे बनता है, तो दूध में जोड़न डाल देते हैं दही बन जाता है। जो भोजन में हम दूध लेते हैं या कोई बच्चा दूध पीता है तो वो दूध दही ही बनता है स्टोमिक में जाकर, जब तक वो दही बनेगा नहीं तब तक नहीं पचेगा। एक बच्चे को देखेंगे जो स्मॉल बेबी होता है एक साल का, 6 महीने का 9 महीने का, वो बच्चा दूध पीता है तो वॉमिट करता है बार बार, उल्टी आती है उसको, लेकिन जब उल्टी आती है तो देखते हैं उसके मुंह से दूध नहीं निकलता है, फटाफटा दही जैसा निकलता, तो क्यों निकल रहा है, चूंकि उस बच्चे के स्टोमिक में ये रेनिन काम कर रहा। तो कभी पूछ दे कि बच्चे में दूध का पाचन किस एंजाइम से होता है, तो रेनिन से होता है। रेनिन किसका पाचन करेगा, तो केसीन का पाचन करेगा, और केसीन है क्या, तो ध्यान रखना है केसीन पहला तो कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, ये पूछेगा बाद, दूध में पाया जाने वाला ये प्रोटीन है, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी तो यही पूछ दिया कि दूध में कौन प्रोटीन होता है, तो आपको ध्यान रखना है केसीन प्रोटीन। इसके अलावा ध्यान देना है इस केसीन के एक और फंक्शन, कि दूध जो होता है यह सफेद रंग का होता है, और दूध का व्हाइट कलर इसी के कारण होता है, जो आपसे पूछ दे कि दूध का सफेद रंग जो होता है किसकी वजह से, तो दूध का सफेद रंग इसी प्रोटीन की वजह से, ये प्रोटीन ना हो तो दूध का कलर सफेद नहीं हो। गाय के दूध का रंग लाइट येलो होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है और विटामिन B2 भी होता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि व्हाइट कलर के बारे में पूछेगा तो केसीन को याद रखें। तो इतना चीज अब काम हो गया, तो यहां दोनों प्रोटीन ही है, एक प्रोटीन पेप्सिन के रूप में पचा और एक रेनिन के रूप में केसीन को पचाने का काम रेनिन किया, और इस प्रकार ये दोनों क्रिया पारा केसीन के रूप में कर्डलिंग के रूप में काम कर रहा। तो ध्यान रखना है कि यही इंपॉर्टेंट कार्य था स्टोमिक का HCl पेप्सिन और रेनिन के रूप में। अब यहां ध्यान रखना है कि अब यहां से आगे बढ़े तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य है जो आपको थोड़ा सा जानना है, तो थोड़ा सा और जान जाएंगे
तो एस्ट्रोनॉमी की बात यहां कंप्लीट हो जाएगी। कुछ एप्लीकेशंस हैं और कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको जीएस में बार बार पूछा जाता है, तो क्या है इसी को समझे हम लोग दो तीन और पॉइंट के द्वारा। पहला तो कि दूध के बारे में आया है तो दूध के बारे में थोड़ा सा यहां जान लेना जो एग्जाम में आपसे पूछे। तो दूध को कंप्लीट फूड नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इसको संतुलित आहार मानते हैं। तो ध्यान रखना है दूध एक संतुलित आहार है, संतुलित आहार है, बैलेंस फूड है, लेकिन पूर्ण आहार नहीं है, पूर्ण आहार नहीं है, कंप्लीट फूड नहीं है। कंप्लीट फूड का मतलब होता है कि वैसा भोजन जिसमें सारा पोषक तत्व होना चाहिए। तो सारा तो नहीं है, बैलेंस्ड है कि दूध लेने से लगभग सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन पूरा नहीं। तो पूरा क्यों नहीं है? तो पूरा नहीं होने का कारण क्या है कि दूध में दो चीज, एक विटामिन सी और तथा आयरन लोहा नहीं है इसमें। तो एग्जाम में पूछ देगा कि दूध में कौन विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी नहीं होता। दूध में कौन सा खनिज नहीं होता, तो लोहा नहीं होता। ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो दूध में सब कुछ होता है, और इसलिए दूध अगर लिया जाए कंप्लीटली तो आप आसानी से शरीर के सभी पोषक तत्वों का पूर्ति कर सकते हैं इन दोनों को छोड़कर। ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है कि दूध में जो मां का दूध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मां का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। एक चाइल्ड जो मिल्क फीडिंग करती है बेबी, तो ध्यान रखना है मां का दूध सर्वोत्तम आहार है। किसके लिए? एक शिशु के लिए। एक शिशु जो जन्म लेता है उसको मेडिकल साइंस में 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध देने को प्रीफर किया जाता है। कि अगर मां का दूध पर्याप्त हो तो उसको किसी भी तरह का भोजन पानी नहीं दिया जाए, उसको दूध ही दिया जाए। और इसलिए एग्जाम में पूछता है कि मां का दूध सर्वोत्तम आहार है, क्यों? क्योंकि इस दूध में एंटीबॉडी होता है। ये ध्यान रखना, एंटीबॉडी जो रोगों से लड़ता है। तो बच्चा जो जन्म लेता है उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती, और इसलिए जब मां का दूध उसके बॉडी में जाता है तो वही मां का दूध उस बच्चे को कई तरह के बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। तो ध्यान रखना है कि ये मां के दूध की बात आती है जो आपको यहां पर फोकस करके रखना। अब यहां एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि यहां जो पाचन हुआ सिर्फ प्रोटीन का हुआ, और प्रोटीन के अलावा यहां कार्बोहाइड्रेट, ये ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन अमाशय में नहीं होता। ये ध्यान रखना, अमाशय में नहीं होता। ये दो चीज का पाचन क्रिया नहीं होगा, एक ही चीज का पाचन हो रहा है, प्रोटीन का, या तो नॉर्मल प्रोटीन हो या दूध का प्रोटीन। इसके अलावा ध्यान रखना है क्योंकि दूध को पचाने के लिए रेनिन चाहिए, और हम कॉमनली जानते हैं कि दूध सबसे ज्यादा एक शिशु पीता है। शिशु से उम्र जैसे जैसे बढ़ता है दूध की मात्रा घटती है और भोजन की तरफ लोग ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, और इसलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा दूध पचाने वाले एंजाइम। और एंजाइम क्या है कि रेनिन जो दूध पचाता है, ये रेनिन सबसे अधिक बचपन में मिलता है, या बचपन में बनता है। उम्र बढ़ने के साथ इसकी मात्रा घटती चली जाती है। ये ध्यान रखना। इसीलिए देखे होंगे कि एक बच्चा दूध को आसानी से पचा लेता है, लेकिन बड़े व्यक्ति को दूध पिला दिया जाए तो थोड़ी सी कठिनाई हो, और बुजुर्ग को पिला दिया जाए तो फिर बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है। इसलिए बुजुर्ग को बहुत नाप तौल के दूध देना पड़ता है, 100 ml, 150 ml, उससे ज्यादा नहीं देना है, और देना भी है तो गैप करके देना, क्योंकि उनमें ये रेनिन एंजाइम अब बहुत लिमिट मात्रा में बन रहा या नहीं बन रहा। अब यहां ध्यान रखना है कि रेनिन एंजाइम अगर किसी में ना बने और किसी बच्चे को भोजन में दूध देने पर वो पाचन क्रिया नहीं हो रहा, वो वॉमिट कर दे रहा हो,
तो उस स्थिति में वो व्यक्ति को, उस बच्चे को एक टैबलेट दिया जाता है जिसका नाम रेनेट टैबलेट है। तो रेनेट टैबलेट का निर्माण गाय के बछड़े से किया जाता है, तो उसमें रेनिन ज्यादा बनता है। तो रेनेट टैबलेट दूध को पचाने के लिए डॉक्टर देते हैं, तो दूध को पचाने के लिए इस दवा का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो स्टोमिक के कार्य से संबंधित था, तो इतना चीज आप ध्यान रखें। अब यहां के बाद एक और टॉपिक लास्ट में बता देते हैं कि हमने कहा स्टोमिक में जो निकलता है वो गैस्ट्रिक जूस निकलता, और गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 से 2.5 है, और 1.5 से 2.5 वाला हाईली एसिडिक है, इतना एसिडिक है कि अगर इसको स्टोमिक से निकालकर किसी के शरीर पर डाल दिया जाए, हथेली पर रख दिया जाए, तो हथेली की मांसपेशियां गल जाए, और गलने के कारण काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये भी मांस का बना हुआ है स्टोमिक, और यहां पर ये लिक्विड है, लेकिन इस मांस को ये नहीं गला पाता। तो कारण क्या है? कारण ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन, और म्यूकोसा के कारण ये HCl से सुरक्षा देता। तो ध्यान रखना है कि HCl से सुरक्षा के लिए म्यूकोसा या म्यूकस मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसीलिए HCl से जलन क्रिया या किसी तरह के नुकसान स्टोमिक में नहीं होता। लेकिन अगर कभी कभी किसी व्यक्ति को इरेगुलर भोजन की हैबिट है, भोजन प्रॉपरली नहीं करता है, टाइम से नहीं करता, रूटीन लाइफ नहीं है, तो इस स्थिति में ज्यादा देर तक भूखे रहने पर लॉन्ग टाइम में यही HCl कहीं कहीं से यहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन को धो देता, और जहां से म्यूकस मेम्ब्रेन हट जाएगा, जैसे ही एसिड सटेगा तो इस मांसपेशियों में छेद कर देगा, और जब छेद करेगा HCl या जला देगा यहां पर, तो तेज बर्निंग होगी, स्टोमिक में बहुत दर्द होगा, पेट दर्द करेगा, गैस्ट्रिक हो जाएगा, स्पाइस या मसाला सब्जी मटन खाएंगे बहुत जलन होगा। तो जलन होगा तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन खराब हो गया या हट गया या क्षतिग्रस्त हो गया, और तब इस स्थिति को एक नाम देते हैं जिसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता, और यही अल्सर बाद में स्टोमिक कैंसर का कारण बन जाता। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है, रूटीन लाइफ में रहें, जो भी खाएं सूखा रूखा जो भी मिले वो खाना रूटीन बद करें, टाइमली खाएं, लंच लें, ब्रेकफास्ट लें, डिनर लें, 3-4 बार खाएं दिन में, लंबा गैप करके भोजन ना करें, क्योंकि जीवन में स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी करने का जीवन में कोई औचित्य नहीं, और उसमें भोजन की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोजन प्रॉपरली लें, टाइम से लें, रूटीन बदलें, ये नहीं सोचे कि बहुत अच्छा भोजन मिलेगा तो ज्यादा अच्छा काम, लेकिन बहुत अच्छा भोजन में अगर आप टाइमली नहीं ले रहे हैं तो फिर वो किसी काम का नहीं होता, वो नुकसान पहुंचाने लगता। कोई खाना नॉर्मल नहीं हो लेकिन अगर वो रूटीन बदल लिया जाए तो बॉडी ज्यादा गेन करता, तो ये ध्यान रखना है, और ऐसे बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर आपका एक नियमित दिनचर्या है, रूटीन लाइफ है। तो इसी को ध्यान रखें, आपके जीएस के लेवल में इतना ही स्टोमिक से ज्यादा जरूरी है। ऐसे ऑफलाइन क्लासेस जो चलता है उसमें 0 लेवल से और भी बहुत कुछ बताया जाता है, क्योंकि यहां बहुत टाइम होता है, बहुत समय होता है, लेकिन यहां पर जो भी है वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड बता रहे हैं। 66 बीपीएससी जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर के तैयारी चल रही है, तो इसको ध्यान से देखें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले विषय में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, राष्ट्र हित सबसे ज्यादा जरूरी है, कोई भी ऐसा काम ना करें, जात पात धर्म रिलीजन इन सबसे दूर रहें, हर मानव के शरीर में एक ही रक्त है, एक ही खून है, एक ही जीन है, और उसी के तौर पर हम अपना जीवन जी रहे हैं। सबके डीएनए में सेल में 46 डीएनए ही मानव है, तो मानव पूरी सृष्टि का एक ही तरीके का है, कोई भेदभाव ना करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को, किसी भी रूप में असमानता का भावना न रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।